पार्ड लेमंड मन बिलाप होता है इसकी सेंट्रल एरिया पहले तो आप लोग पोएम देख लीजिए ओवर लाइफ टाइम ऑन हूज ला स्टेप आई है आई है वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ प्राइम नो मोर और नेवर मोर आउट ऑफ डे एंड नाइट एज वायर टेक फ्लाइट फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मोव माई फ्रेंड हार्ट विथ ग्रेप बट वि ड नो मोर ओह ने मोर इस पाठ में पी वी जो है अपने पुराने दिनों का बचपना की बातों को याद करके बहुत भावुक हो जाते हैं और दुखी होते हैं जो प्रेजेंट की कंडीशन है बदलते परिवेश में दुख ही दुख है जो बालपन था वह खुशियों से भरा हुआ था उसमें प्रेम सौहार्द था लेकिन इस समय ऐसा नहीं है तो वही वह बालपन को ढूंढते हैं और ढूंढते हुए इस कविता की रचना करते हैं सेंटलाइरिया इसकी है सेंटलाइरिया देखिए इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्ट्रेस्ड इस कविता में जो है जो कवि दुखी है बिकॉज इज लाइफ इज ए फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलुअर क्योंकि इसके जीवन में डिसअपॉइंट निराशा है और असफलता है ही रिमेंबर हिज अ प्राइम टाइम वह अपने पूर्ववर्ती समय का स्मरण करता है एंड इमेजिन टू कम बैक वापस आने की कल्पना करता है बिकॉज देर इज ए नो रिलीफ नो हैपीनेस एंड नो एन्जॉयमेंट द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर हैजनिस्ट जो जीवन की और प्रकृति की जो सुंदरता है वह खत्म हो चुकी है फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलुअर ही रिमेंबर्स हिज ए प्राइम टाइम एंड इमेजिन टू कम बैक बिकॉज देयर इज नो रिलीफ नो हैप्पीनेस एंड नो एन्जॉयमेंट द ब्यूटी ऑफ द लाइफ एंड नो नेचर हैज तो ये सेंट्रल आइडिया थी लेमेंट पार्ट की composed by P. V. Saylee. Thank you.